आगरा में से चुनाव मतदान करने पहुंची प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य बबीता चौहान से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, वो भी आपको दिखाते इस खास रिपोर्ट के जरिए। आगरा फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार मतदान चल रहा है, जन प्रतिनिधि अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे। हमारे साथ बात करने के लिए बबीता चौहान जी, जो कि प्रदेश में महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, साथ ही जिला पंचायत सदस्य भी हैं। आज अपने मत का प्रयोग करने पहुंची हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, सब अच्छा होने वाला है। आप जैसा देख ही रहोगे, एक तरफा चुनाव है और मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा से, क्योंकि इतना निष्पक्ष चुनाव यहाँ हो रहा है, तो हम 27 की 27 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतने वाले हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। कहने की जिस प्रकार से आगरा फिरोजाबाद की बात की जाए, तो समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है इस बार, विजय सेबरे जी हैं। एक्चुअली वो कब्जा क्या, वो गुंडागर्दी हुआ करती थी, और आज आप देख रहे हैं क्योंकि राम राज्य जैसा यूपी में स्थापित हुआ है, उसके हिसाब से देखिए कितना शांतिपूर्वक, किस वातावरण में यहाँ वोटिंग हो रही है। तो निश्चित रूप से विजय सिवहरे जी भी एक बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहेगा। मुझे लग रहा है कि 100% वोट शायद उन्हें ही पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं बबीता चौहान जी को विश्वास है कि विजय सिवहरे जी इस बार विजय सिवहरे जी प्राप्त करेंगे। संजय सिंह, इंडिया न्यूज़।